नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें देते रहे। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोनों के पास ही आज आईपीएल 12 में अपनी जीत का खाता खोलने का अहम मौका होगा। दोस्तों दोनों ही टीमों का अब तक का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है और अपने अभियान में नई जान फूंकने के लिए इन्हें जीत की ज़रूरत है। दोस्तों रॉयल्स के पास रविवार को चेन्नई के खिलाफ जीत दर्ज करने का मौका था लेकिन वह अंतिम ओवर में बिखर गई और मुकाबला गंवा बैठी। दूसरी तरफ आरसीबी को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 118 रन की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोस्तों रॉयल्स और आरसीबी दोनों के पास ही विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं लेकिन दोनों ही टीमें अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं। रॉयल्स की बात करें तो उसके खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है लेकिन एक टीम के रूप में वह प्रदर्शन करने में असफल रही है। अब उसकी कोशिश होम ग्राउंड का पूरा फायदा उठाने की होगी ताकि मौजूदा आईपीएल में अपनी जीत का खाता खोल सके। दोस्तों वहीं आरसीबी के पास स्टार खिलाड़ियों की भरमार है लेकिन विराट कोहली के नेतृत्व में टीम एकजुट होकर खेलने में नाकाम रही है। आरसीबी की कोशिश कमजोर रॉयल्स को मात देकर जीत का स्वाद चखने पर होगी। दोनों ही टीमों में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम बात करें आरसीबी टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, आपको एक बड़ी खुशखबरी दे दें, अगर आप आरसीबी के फैंस हैं तो ये खुशखबरी आपको ज़रूर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के ये आ रही है कि मार्कस टोनिस और नेथन कुल्टरनाइल उनकी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नेथन कुल्टरनाइल और मार्कस टोनिस दोनों ही टीम के साथ जुड़ चुके हैं और शायद वो आज का मैच भी खेलते हुए नज़र आए। हालांकि दोस्तों आरसीबी की ओर से ऑफिशियली कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि मार्कस टोनिस और नेथन कुल्टरनाइल आज का मैच खेलेंगे। तो दोस्तों अगर ये दोनों ही खिलाड़ी खेलते हैं आरसीबी के लिए आज तो उनकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है। दोस्तों पहले ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मार्कस टोनिस और पार्थिव पटेल। इसके बाद विराट कोहली, ए बी डी विलियर्स, हिट मायर, शिवम दुबे, कुल्टरनाइल, प्रयास बर्मन या फिर पवन नेगी। इसके बाद युजवेंद्र चहल, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसके बाद बात करें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में तो यहाँ पर आपको उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे, इसके बाद ओपनर के तौर पर बटलर और रहाणे रहेंगे, फिर संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, स्टीव स्मिथ, फिर बेन स्टोक्स, के गौतम यानी कृष्णप्पा गौतम, फिर इसके बाद जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव नाथकट और इसके बाद धवल कुलकर्णी। तो दोस्तों ये थी हमारे हिसाब से आज की प्लेइंग 11। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।